friends, in this video we will study what is mean free path. So mean free path kya hota hai wo aaj hum padhenge. So according to kinetic theory se hame ye pata hai ki jo molecules of the gas hota hai, that is the gas molecules, wo motion mein rehta hai even at ordinary temperature pe bhi. ठीक है, वो हर टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है और ये मोशन होने में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो इस मोशन को करवाता है. और अगर हम एक सपोज एक वेसल लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स में ये अगर ये वेसल ओपन है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है तो गैस मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा और सारा गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ना कॉशियस बोलता है, दैट इज़ ये एज्यूम किया कि जो मॉलिक्यूल्स है, दैट इज़ द गैस मॉलिक्यूल्स, उसका साइज बहुत ही स्मॉल है बट फाइनाइट है. ठीक है, तो ये बोला कि जो ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कोलाइड करता है आफ्टर स्मॉल इंटरवल्स, कुछ इंटरवल के बाद ही ये कोलाइड करता है. और जैसे ही कोलाइड होता है, फॉर एग्जांपल ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों कोलाइड हुआ, फिर ये स्ट्रेट पाथ पे जाता है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ पे जाता है और उसका जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है. फिर ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, इसका फिर जो पाथ होगा वो ऐसे हो जाएगा, उसका जो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा और इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट रहेगा. कॉशियस ये बोला. ठीक है, तो डिफरेंट पाथ्स, एक मॉलिक्यूल्स का अगर हम पाथ किए, एक मॉलिक्यूल को हम लेते हैं उसका अगर पाथ लिए तो उसका पाथ जो है वो कुछ ऐसे रहता है, ज़िगज़ैग पाथ. ठीक है, और इसका जो पाथ सब है उसका लेंथ डिफरेंट होगा, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, पर इसका जो स्पीड होगा वो कॉन्स्टेंट रहता है. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि वहाँ पर कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है, तो ये मूव कैसे करता है, ये मूव करता है कॉलिजन के चलते. और फ्री पाथ क्या होता है, ये पाथ्स को हम बोलते हैं फ्री पाथ, जैसे कि कॉलिजन होता है और उसके बाद ये फिर आगे बढ़ता है, मूव करता है स्ट्रेट लाइन में और उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसी को हम बोलते हैं फ्री पाथ. और अगर इस डिफरेंट पाथ्स का अगर हम मीन ले, दैट इज़ मीन अगर निकाल ले तो उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, दैट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ दैट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. तो मान लेते हैं कि अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ कोलिजन n है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है. ठीक है, ऑफ कोलिजन. और मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो अगर मीन फ्री पाथ निकालना चाहे एक सिंगल मॉलिक्यूल का, तो हम कैसे निकालेंगे, पाथ वन दैट इज़ फर्स्ट पाथ में, जैसे फर्स्ट पाथ का उसका लेंथ, फिर उसका पाथ जो सेकेंड पाथ मतलब यहाँ से यहाँ किया होगा उसका लैम्डा टू, फिर यहाँ से आया होगा लैम्डा थ्री, ऐसे डॉट 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 लैम्डा एन बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन दैट इज एन इज गिवन, दिस गिव्स द मीन फ्री पाथ. सो आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ. एंड थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो.